जो भी क्लास आप पढ़ते हो उसका एक बार रिविजन जरूर होना चाहिए अगली क्लास शुरू होने के पहले। नोट्स अगर खुद से बनाओगे बहुत अच्छी बात है ना। प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यूज लगाइए, पुराने आए हुए पेपर्स में से उन्हें उन प्रश्नों को हल करिए। और मैं एक बात और बता देता हूं कि अगर आपके पास कंटेंट कम हो रहा हो, जैसे किसी बच्चे का टारगेट है कि सर मुझे तो बस कांस्टेबल बनना है, मैं आपसे बोल रहा हूं आप एमपीएसआई के पेपर भी लगाओ ना, क्या दिक्कत है, पटवारी के पेपर लगाओ ना, क्या तकलीफ है ना, जेल प्रहरी के पेपर लगाओ, ये सब का लेवल लगभग एक जैसा है, कोई 19 है कोई 20 है। लेकिन आप देखो कि अगर ये 4 एग्जाम्स के आप पेपर कलेक्ट करोगे ना, 200 पेपर में बता रहा हूं कम से कम मिल जाएंगे आपको पीडीएफ्स, इतनी तो विनर्स की ऐप पर डली हुई है ना। एमपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हो, आप कांस्टेबल का पेपर लगाओ, पटवारी का लगाओ, जेल प्रहरी का लगाओ, क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ नहीं है, सबका लेवल लगभग सेम है और एक जैसा ही पैटर्न होता है, कोई अंतर नहीं है, है ना। और बल्कि किसी का लेवल थोड़ा भाई कम लेवल होगा तो दिक्कत नहीं, किसी का लेवल ज्यादा भी होगा तो अपना क्या जा रहा है, अपने को तो और अच्छा पढ़ने को मिल रहा है ना। तो हमें प्रायोरिटी क्या देना है, कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। तो जो बच्चे बोलते हैं पढ़ने लिखने के लिए हमारे पास कंटेंट नहीं है, इतना है यार तुम्हारे पास, अगर ये भी कम पड़ जाए ना तो मैं आपको बताता हूं आप एसएससी सीएचएसएल का कंटेंट लगाना शुरू कर दो। एसएससी सीएचएसएल का मैथ्स, उसकी रीजनिंग, उसकी इंग्लिश, उसका जीएस आप लगाओ, ये व्यापम में आपको खूब काम आएगा, ठीक है। व्यापम के लेवल से ज्यादा लेवल सीएचएसएल का है ना। सीएचएसएल का कंटेंट लगाओगे आपको भरपूर यहां काम आएगा, तो आप लगाओ। अब सीएचएसएल है तो सीएचएसएल का ढेर कंटेंट मिलेगा। तो आपके पास पढ़ने के लिए कंटेंट वाइज बहुत सारी चीजें हैं, कोई कमी नहीं है। कमी है तो आपके अंदर के आप टाइम कम दे रहे हो, आपको लग रहा है कि बस इतना ही है, इतना नहीं है, खूब करने को है, खूब कंटेंट है, खूब पेपर्स है, खूब प्रीवियस पेपर्स है, लगाओ।